नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में अनार के विषय में कि दोस्तों अनार कब से कब तक बढ़ता है, यानी कौन महीने से कब, कई महीना बढ़ता है कई महीना नहीं बढ़ता, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बहुत ऐसे लोग पूछते थे कि अभी पानी जैसे डालने के लिए पानी मेरा जैसे अनार का पेड़ नया अभी नहीं फर रहा है, उसमें पानी डालें कि ना डालें, तो इस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेलाइकन भी दबाएं, ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित या फोटो संबंधित मुझे भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि अनार के भी अभी कितना जगह दोस्तों फलने लग गया है। दोस्तों ये पुराना पेड़ है, बहुत लोग अभी पूछते हैं कि कितने दिन में पानी डालना है। दोस्तों कि हम सभी को पहले ही बताएं कि दोस्तों जब अनार फलने लगे तब से 4 दिन से पानी डालना चाहिए, और दोस्तों अभी डाला जाएगा 4 दिन से। और दोस्तों अनार यानी बढ़ता कब से है वही आपको बताते हैं दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे कि अभी बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा अनार जैसे नहीं बढ़ रहा है यानी नहीं फरा है और उसे बढ़ता है तो क्या करें, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पेड़ आपका नया है तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि अगर आपके साल नहीं फरा तो अगले साल फरेगा, लेकिन कम से कम आप पानी तो डालें, पानी डालेंगे तो हो सकता है आपके बार पेड़ बढ़ जाएगा तो अगले साल ज़्यादा फरेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं पानी नहीं डालूंगा तो मेरे क्या नुकसान है, तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पेड़ आपका बढ़ेगा नहीं तो दोस्तों फरेगा कैसे। तो अगर आपके पेड़ नहीं यानी अनार नहीं फरा तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी बराबर डालें, 4 दिन से 4 दिन से डालते रहेंगे तो आपकी पत्तियाँ बढ़िया हो जाएगी यानी तैयारी हो जाएगा अच्छे से, तो हो सकता है अगले साल फरे। कोई जरूरी नहीं कि हर साल ही नहीं फरे, कोई साल कम फरते तो कोई साल ज़्यादा फर जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको डालना चाहिए पानी हमेशा डालना चाहिए 4 दिन से, ताकि आपका पत्तियाँ बढ़ती रहे, जिससे इधर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है, सभी नहीं कर रहा दोस्तों ये, और कितना ज़बरदस्ती फर रहा है अभी ये दोस्तों फरेगा, हम आपको बहुत आगे दिखाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। जो ये बढ़ता कब है दोस्तों, उसको जैसे आप सभी को दिखाए थे हम कटिंग करने का तरीका, दोस्तों जो हम कटिंग किए थे अभी देखो कितना ज़बरदस्त बढ़ा, हम आपको दिखाते हैं जैसे इधर है ये दोस्तों अभी कटिंग किया गया था, कटिंग जब किया था सभी को दिखाया था कि दोस्तों कटिंग करना चाहिए अनार, और कटिंग किया, अब देख लीजिए कितना ज़बरदस्ती बढ़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त होता दोस्तों बढ़ा है। बाढ़ता दोस्तों कभी है यानी मार्च से ले करके, यानी जब हम लोग जनवरी या फरवरी में कोई फरवरी करता है, कोई मार्च में कटिंग यानी जनवरी कटिंग करता है, लास्ट जनवरी में कोई फरवरी में कटिंग कर देता है जिसके पास जैसे समय मिलता है, तो इसमें जब कटिंग कर दिया यानी फरवरी मान लीजिए फरवरी से यानी कटिंग कर दिया जाता है, लेकिन मार्च से पकड़ते हैं हम यानी मार्च से लेके 4 महीना दोस्तों यानी अनार बढ़ता है, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जून तक दोस्तों बहुत ज़बरदस्त अनार ये बढ़ता है, जैसे कि देख रहे हैं अभी 1-1.5 मीटर का हो जाएगा, ये बहुत ज़बरदस्त दोस्तों ये बढ़ता है। तो दोस्तों ये 4 महीना दोस्तों ये बढ़ता है, पूरा मार्च पकड़ लीजिए, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना, उसके बाद दोस्तों जब ये अनार यानी दाना बैठ जाता है अनार में, जैसे इधर सब देख रहे हैं यही सब अनार, जैसे दोस्तों थोड़ा दाना बैठ जाएगा ये सब अनार में, तो क्या होगा कि फिर जो है दोस्तों अनार की एक टेन नहीं बढ़ेगी, जो लंबाई इसकी है ये सब लंबाई ये देख रहे हैं ये सब फिर नहीं बढ़ेगी, फिर यहीं पर रुक जाएगी, ये पत्ती थोड़ी मजबूत होगी, पत्ती गिरना चल हो जाएगी, फिर अगले साल इसमें अनार फरेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था अनार, और अनार दोस्तों अगर आपका इस समय फुला रहा है तो दोस्तों पानी 4 दिन से जरूर लगाएं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अभी टाइम है अनार का, अभी पानी लगाना चाहिए। अगर आपका अनार नहीं फरता, कुछ नहीं फरता है, तो हो सकता है अगले साल फरे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस पानी आप लगाते रहें तभी दोस्तों ये अनार के मौके फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अनार की खेती बहुत नाजुक होती है, चढ़ा चला प्रभाव करते हैं, बस पुराना खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस समय अनार में पानी जरूर लगाएं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ जानकारी करना है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।